स्तिफनुस और फिलिप्पुस। प्रथम मसीह अगुआ के बीच में स्तिफनुस नाम के एक ठे मनई रहा। सब मने वाखर आदर करत रहे हैं। पवित्र आत्मा वही बहुत सामर्थ और बुद्धि प्रदान करे रही हूँ। स्तिफनुस बहुत से चमत्कार करे रहे हैं। जब वह यीशु में भरोसा करे के बारे में उन्हें शिक्षा दईस तब बहुत से मने व माँ विश्वास करीन। एक दिन स्तिफनुस यीशु के बारे में शिक्षा देत रहो हा। और कुछ ऐसे यहूदी आए जन यीशु में विश्वास नहीं करत रहे हैं और वाखर साथ वाद विवाद करे का शुरू कर देन। वो बहुत गुस्सा हो गए। ऐसे वो धार्मिक अगुआ के पास गए और वाखर बारे में झूठ बोलिन। वो कहिन हम स्तिफनुस का मूसा और परमात्मा के बारे में बुरा बात बोलत सुने हन। यही से धार्मिक अगुआ स्तिफनुस का गिरफ्तार कर लें और वही महायाजक और यहूदियन के दूसरे अगुआ के सामने लेके आए और ज़्यादा झूठ गवाहन का लेके आए और ऊँ स्तिफनुस के बारे में झूठ बोलिन। महायाजक स्तिफनुस से पूछिस का ही मैंने तोरे बारे में सही कहा थे। स्तिफनुस महायाजक का जवाब दे के लाने बहुत से बातन का बोले का शुरू कर दईस। वह कहिस कि अब्राहम के समय से यीशु के समय तक परमात्मा इसराइल के मनैन के लाने बहुत से अनोखा काम करीन है। पर मनैन हमेशा परमात्मा के अनाज्ञाकारिता करीन। स्तिफनुस कहिस तुम मनई परमात्मा के विरुद्ध ढीठ औ बलवा करे वाले हबा। तुम हमेशा पवित्र आत्मा का अस्वीकार करे है जैसे कि हमार पूर्वज हमेशा पवित्र आत्मा का अस्वीकार करे रहे हैं और हमेशा वाखर भविष्यवक्तन का मार डाले रहे हैं। पर जौन ऊँ करे रहे हैं वाखर तुलना में तुम और भी बुरा करे हा। तुम मसीह का मार डालिया। जब ऊँ धार्मिक अगुआ या सुनिन त ऊँ इतना गुस्सा हो गए कि ऊँ अपन कानन का बंद कर लेन और ऊँचा आवाज में चिल्लाइन। ऊँ स्तिफनुस का घसीट के नगर से बाहर ले गए और वही मार डाला के लाने वही पत्थर मारिन। जब स्तिफनुस मरत रहो वह पुकार उठो हे यीशु मोरे आत्मा का ग्रहण कर। तब वह अपन घुटना में गिर पड़ो और फिर से पुकार उठो हे प्रभु यह पाप उनके ऊपर न लगाया। तब वह मर गरो। वह दिन यरूशलेम में रहा वाले बहुत से मने यीशु के अनुयायी का सतामा को शुरू कर देन। ऐसे विश्वासी मने दूसरे जगह में भाग गए। पर एक बात भी जहाँ कहीं भी उगे यीशु के बारे में प्रचार करिन। फिलिप्पुस नाम के यीशु के एक ठे विश्वासी रहो है। जैसा कि दूसर बहुत से विश्वासी करे रहो है वह भी यरूशलेम से भग रहो है। वह सामरिया के क्षेत्र में चलो गो है। उन वह मनैन में यीशु के बारे में प्रचार करीस। बहुत से मनैन वह माँ विश्वास करिन और उद्धार पाइन। एक दिन फिलिप्पुस के पास परमात्मा के तरफ से एक ठे स्वर्गदूत आओ और वही जंगल में जाए के लाने और एक ठे सड़क में चले के लाने कहिस। फिलिप्पुस हुन चलो गरव है। जब वह सड़क में चलत रहो है तब वह एक ठे मनई का अपन रथ में जात देखिस। यह मनई कुछ देश के एक ठे महत्वपूर्ण अधिकारी रहो है। पवित्र आत्मा फिलिप्पुस से कहिस कि जाके वह मनई के साथ साथ चल। यही से फिलिप्पुस रथ के पास गरव है। वह सुनिस कि वह कुशी परमात्मा के वचन का पढ़ रहो है जौन यशया भविष्यवक्ता लिखे रहो है। वह वही पढ़त रहो है। वह पढ़त रहो है ऊँ वही वध करे जाए वाली भेड़ के समान ले गए और जैसे एक ठे मेमना शांत होता वह भी एक ठे शब्द नहीं कहिस। ऊँ ओके साथ अनुचित व्यवहार करिन और वाखर आदर नहीं करिन। ऊँ वाखर प्राण ले लेन। फिलिप्पुस व कुशी से पूछिस जौन ते पढ़त रहे है का ते वही समझते भी हस। व कुशी जवाब देस नहीं जब तक को यही मुही समझाई ना तब तक मैं यही नहीं समझ सकूं। कृपा करके मोरे पास आके बैठ। यशया या अपन बारे में लिखे रहो है या फिर कोनो औ के बारे में। फिलिप्पुस रथ में चढ़ के बैठ गरव है। तब वह
व कुशी मनई का व 22 जौन यशा यीशु के बारे में लिखे रहो। फिलिप्पुस परमात्मा के वचन के बहुत से दूसर भागन के भी चर्चा करीस। ये तरह से व मनई का यीशु के बारे में शुभ संदेश सुनाइस। फिलिप्पुस और व कुशी चलत चलत पानी के पास आए। व कुशी कहिस, देख इन पानी हब का मैं बपतिस्मा ले सकत हूँ? और वह सारथी से रथ का रोके किलाने कहिस। वो पानी में चले गए और फिलिप्पुस व कुशी का बपतिस्मा देस। जब वो पानी से बाहर आए तब पवित्र आत्मा अचानक फिलिप्पुस का उठा के कोनो दूसर जगह का ले गे रहा। उन फिलिप्पुस मने इनका यीशु के बारे में बतामा का जारी रखी। वह कुशी अपन घर की यात्रा में आगे बढ़ गए रहो। वह खुश रहो कि वह अब यीशु का जानत रहो। प्रेरितों के काम 6:8, 8:5, 8:26-40 से बाइबल की एक कहानी।